कोई नहीं, तुम खामखा परेशान हो। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि शिफाली ये सारी एक्ट करने वाली है। सुबह ही एक्ट ना? लेकिन तुमने ये नहीं कहा था कि ये एक्ट जीना जी की है। जीना जी की एक्ट कैसे कर रही है वो? I don't understand this. तुम राणा को फोन लगाओ। कोई नहीं, तुम अच्छी तरह जानती हो कि राणा आज तक किसी लड़की वड़की के चक्कर में नहीं है। इस बार मामला बहुत सीरियस है। वो मेरे तुम्हारे कहने से ये साड़ी एड कैंसिल नहीं करेगा। सब लोग मेरे साथ ही होशियारी क्यों करते हैं? ये बताओ मैं, तुम्हारी वो सहेली जीना जी कब आ रही? पता नहीं, दो महीने के लिए कह के गई थी। लगता अब सारी विंटर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में बिता कर आएगी। वैसे राजीव कह रहा था कि वो अगले महीने आ रही। अच्छा, गई ग्रोवर साहब के साथ और खबर अपने यंग बॉयफ्रेंड राजीव को दे दी। अरे यार, अपने पति के साथ गई, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अशोक, मेरी क्या प्रॉब्लम है? अरे वो तो अपनी ड्यूटीज निभा रही है। हाँ, सब मेरे जैसे थोड़ी ना होती है कि एक बुड्ढे के साथ जिंदगी बिताने का फैसला कर ले। एक बुड्ढे के साथ है वो? नहीं, छोड़ो ये सब बातें। प्लीज उस शेफाली रानी के बारे में कुछ करो ना, मैनिपुलेटिव अश्विन कुमार। उसका तो अपने आप ही कुछ हो जाएगा। कैसे? संजय आज ही सिंगापुर से वापस आ रहा है और मैंने तुम्हारे कहने पर चाहत की गाड़ियों से ऑफर कर दी। इनफैक्ट वो मुझसे आज ही मिलने आ रहा है। इस सब का शेफाली से क्या ताल्लुक है? जब संजय को पता चलेगा कि राणा शेफाली के पीछे पड़ा है, डेफिनेटली गेट मैड। संजय को कैसे पता चलेगा? डर्टी फेलो। अच्छा सुनो ना, मैंने ब्रोकर को कह दिया है नए मकान के लिए। मैं तुम्हारे साथ नया घर बसाना चाहती हूँ। अच्छा, अच्छा क्या सुझाव? घर तुम सिलेक्ट करो, डील मैं कर दूँ। I hate this intercom. ना बोलो। सर, संजय कुमार जी आए। हाँ, तुम एक काम करो, उन्हें ऑडिशन रूम में बिठा दो, मैं आता हूँ। तुम वेट करो, मैं आऊँ। नहीं, मैं वेट नहीं करूंगी क्योंकि तुम्हें तुम्हारी मैनिपुलेशंस में बहुत टाइम लगेगा। मैं जा रही हूँ। बाय, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। पावर प्रोडक्शंस, चाहत। संजय बाबू, वेलकम वेलकम टू आवर ऑफिस, वेलकम। भाई बहुत घूम फिर के आ रहे हो? पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता है यार। हाँ, वो तो करना पड़ता है। बैठो 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 बैठो। मुझे तुम्हारे सारे मैसेजेस मिले तो लौटते ही सोचा कि सबसे पहले तुमसे मिल लूं। भाई मोहिनी की डिमांड है कि चाहत के गाने तुम गाओगे। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मोहिनी जी ने मुझे इस लायक समझा। वैसे अश्विन, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि शादी के लिए तुम्हें मुबारकबाद दूं कि नहीं दूं। वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें मुबारकबाद देने का मौका हम लोगों को मिलेगा कि नहीं? सुना है कि शिफाली बहुत बिजी हो रही। अश्विन, शादी प्रपोज करूंगा तो सब छोड़ देंगे। I really like that. लेकिन सच में मैंने सुना है कि फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े फाइनेंसर शिफाली पे पिता है। She is a beautiful girl यार, तो उसके चाहने वाले तो बहुत से होंगे। It's natural. संजय, क्या तुमने सुना है कि वो शिफाली ने राणा की साड़ी वाली एड सेंड कर ली और वो भी 2 करोड़ रुपयों? Really? I must congratulate her for this. और मोहिनी बता रही थी कि अपने वो फिल्म फाइनेंसर ना राणा, he is madly in love with शिफाली। अश्विन, तुम तो जानते हो ये फिल्म इंडस्ट्री कैसी है। These are all rumors. और मुझे शिफाली पर पूरा भरोसा है। अच्छा तो मैं चलूं। रिकॉर्डिंग की डेट कब दे रहे हैं? अभी तक तो मैंने डायरी तक खोल के नहीं। नेवर माइंड, कल फोन करके मुझे बता देना। ओके, सी यू, बाय। आपको
अभी तो जरा कांचा को कह देना प्लीज, आज संजय भी लंच के लिए आ रहा है। संजय? संजय कब आया? आज सुबह की फ्लाइट से आया। और अच्छा हाँ, मेरी डबिंग भी कैंसिल कर दो। ओके, वो तो मैं कर दूंगी, लेकिन संजय इतने दिनों बाद आया है और तुम एक्साइटेड बिल्कुल नहीं लग रही हो। संजय के महाबलेश्वर और फिर सिंगापुर जाने के बाद इतना कुछ हो चुका है, ऐसे लगता है जैसे जमाना बीत गया उसे मिले, इसीलिए तो एक्साइटेड लगना चाहिए। पता नहीं मुझे क्या लगना चाहिए, नहीं तो बट आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद हिम। क्यों? जब जब मुझे उसकी जरूरत महसूस हुई, he was not there। तुम्हारी प्रोफेशन की यही तो खामियां हैं, डबिंग्स, रिकॉर्डिंग, शूटिंग की वजह से हर वक्त तो साथ नहीं रह सकते ना। रेगुलरली फोन ना करना और फिर आके कहना चलो लंच पर मिलते हैं, ऐसा तो कोई प्रोफेशन में नहीं होता। और तुम बुद्धू उसके लिए डबिंग कैंसिल करवा रहे हो, अपना सब काम छोड़कर उसके साथ लंच करने के लिए घर पर बैठी हो। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ काम करने के लिए, तुम दरवाजा खोलो। हाय शिफाली, कैसी हो? क्या मैं आया हूं और तुम रो रही? मैं बहुत अकेली हो गई थी संजू। जैसे मैं बहुत खुश था। ए शिफा, I missed you। पता नहीं मुझे तुम्हारी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा। अच्छा यहां यहां आप बैठो, इसे भारत तो नहीं। अब बताओ कैसी हो? अच्छी हूँ, 3 फिल्में साइन की हैं, यूएसए में एक शो का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है और एक एड फिल्म भी तो साइन किया है। तुम्हें कैसे मालूम? वो भी उस आदमी के साथ जिससे तुम नफरत करते हो, दैट डेंजरस गाय। आते ही ये खबर तुम्हें किसने दी? आज सुबह मेरी अश्विन कुमार के साथ मीटिंग थी। अश्विन से? नई फिल्म 4 में प्लेबैक दे रहा हूं। आई सी, मुझे पूछा भी नहीं। अब अपने काम के लिए भी तुमसे पूछना पड़ेगा। शिफाली, मुझे इतनी बड़ी फिल्म मिल रही है, तुम्हें खुशी नहीं हुई? मेरे दुश्मन की यार, अब काम में थोड़ी कोई दुश्मन होता है। तो फिर तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है अगर मैं राणा के ऐड करूं? देखो शिफाली, तुम एक लड़की हो और तुम्हें कैसे लोगों से मिलना चाहिए, कम से कम मुझसे सलाह तो ले लिया करो। और हाँ, अब हमें अपनी शादी के बारे में सोचना है, नहीं तो अगली बार सिंगापुर से एक चाइनीज लड़की बीवी बना कर ले आऊंगा। ऐसे घूर घूर कर क्या देख रही हो? जब आदमी औरत को सक्सेसफुल होते हुए देखता है ना, तो छट से शादी ऑफर करता है। लेकिन मैं इतनी ना समझ नहीं हूं संजय, मेरे सामने एग्जांपल्स हैं, मुमताज, सीना तमान, रीना रॉय, इन सब ने अपने सक्सेसफुल करियर्स छोड़ के शादी कर ली, लेकिन क्या उन्हें खुशी मिली? मैं जानती हूं मुझे जिंदगी से क्या चाहिए, डेफिनेटली अ वेरी सक्सेसफुल करियर। सो तुम अपना काम करो और मैं अपना। और वैसे भी तुमने कहा था ना, करियर में दोस्ती और दुश्मनी नहीं आनी चाहिए। शिफाली, तुम बदल गए हो, जैसे कि तुम मेरे वही संजो हो। सिंगापुर में रात रात भर रीता नाम की लड़की के साथ डिस्को जाते थे, मुझे इस बात की खबर है संजय। और राणा से तुम्हारी बाग के होटल में मिली थी, इस बात की खबर मुझे भी है शिफाली। तुम्हारी और मेरी नीयत में फर्क था। ठीक है मैं चलता हूं। प्लीज डोंट गो। मुझे जाना पड़ेगा शिफाली, मेरी रिकॉर्डिंग है।
हेलो, तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? तुम रो रही हो? नहीं तो, बस यूं थोड़ी अपसेट हूँ। अलीबाबा को कोई प्रॉब्लम? मुझसे कहो, आई कैन हेल्प यू। अलीबाग में सब ठीक है, लेकिन यहाँ जो प्रॉब्लम है वो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। कह के तो देखो। राणा, संजय आज जब वापस आया था, मेरी सारी आर्ट के बारे में सुनकर बहुत अपसेट था। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। तुम नहीं समझते राणा, आई लव हिम वेरी मच और मैं उसे अपसेट नहीं करना चाहती। Are you trying to tell me कि तुम संजय को खुश रखने के लिए ये 2 करोड़ का एक्ट छोड़ दोगे? Maybe, मैंने कहा ना, I really love him. ऐसी गलती मत करना शिफाली। किसी आदमी का सहारा लेके अपने सपनों को सच करने की कोशिश मत करो। खुद काम करके अपने पैरों पे खड़े होके आसमान को छूने की कोशिश करो। ज्यादा खुश रहो। Anyway, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, इसीलिए तुम्हें यह सलाह दे रहा हूं। Rest is up to you. जैसा तुम ठीक समझो वैसे ही करना। रात को डिनर पे मैं तुमसे बात करूंगा। बाय शिफाली। बाय। मुझे याद किया? हाँ अंकल, आओ बैठो। कोई शो ऑर्गेनाइज कर रहे हो? हाँ, तुम्हारा एक्सक्लूसिव शो है। रियली? कहाँ? यहीं मुंबई में। अलका, तुम मेरा एक काम करोगे? इतने अच्छे ऑफिस में बैठकर तुम जैसे अमीर आदमी को मुझसे क्या काम हो सकता है? You are quite a rich guy. तुम भी रिच हो सकती हो। अच्छा, जरा सुनो तो कैसे? संजय कुमार को जानते हो? Of course, he is my type. 6 foot, rugged and handsome. तभी विवेक खन्ना से दोस्ती की। He is also your type. बोलो, संजय से दोस्ती करोगे? लेकिन तुम ये क्यों चाहते हो? That's none of your business. लेकिन इस काम के लिए तुम्हें जो कुछ चाहिए वो तुम्हें मिलेगा। जैसे कि एक फिल्म। लेकिन मेरी नजर में फिल्म से ज्यादा पैसों की अहमियत है, क्योंकि फिल्म मुझे घर नहीं खरीद के देती। क्यों नहीं? फिल्म कंप्लीट होने के बाद भी क्या गारंटी है कि पैसे मिलेंगे भी या नहीं? और फिर प्रोड्यूसर से अपने ही काम के पैसे मांगने के लिए रोज़ मैंने बहाने ढूंढने पड़ेंगे कि सर मुझे घर का किराया देना है, सर मैंने नई गाड़ी बुक की है उसकी इंस्टॉलमेंट भरनी है, सर मेरी माँ बहुत बीमार है, वगैरह वगैरह। क्यों, यही होता है ना इस फिल्म इंडस्ट्री में? मेरी तुम फिल्म इंडस्ट्री की ही बात क्यों करते हो? एक माँ भी अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती जब तक वो रोता नहीं। मैं तुम्हें 2 महीने देता हूँ संजय कुमार को सपने दिखाने के लिए, और हर हफ्ते, माइंड यू, हर हफ्ते मैं तुम्हें 10,000 रुपए भेजता हूँ। डन, मेरा एडवांस? एडवांस? हाँ, यू नो शॉपिंग, शूज, ब्यूटी पार्लर वगैरह। ओके, हियर यू आर। थैंक्स राणा, मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। आई एम श्योर यू वोंट। राणा, थोड़ी क्यूरियस हूँ कि तुम मुझे संजय के पीछे क्यों भेज रहे हो? तुम्हारी एक्टिंग स्किल देखने के लिए। रियली? तो फिर तुम मेरी नेचुरल एक्टिंग ही देखोगे। ऑल द बेस्ट सर। थैंक्स, बाय।
हाय कामिनी। आई डोंट बिलीव दिस। रणवीर सिंह ने मुझसे मिलने के लिए फोन किया। हाँ कामिनी, मुझे तुमसे काम है। क्यों, मुझे लेकर फिल्म बना रहे हो क्या? वो भी बना देंगे। कैसी हो? मैं तो अच्छी हूँ। तुम कहो, कामिनी कपूर को कैसे याद किया? कामिनी, मैं चाहता हूँ कि तुम संजय से दोस्ती करो। Can you explain that? What? संजय कुमार, दोस्ती, what do you mean? मैं चाहता हूँ कि वो एक नई गर्लफ्रेंड बना। समझे कि वो अलका अभी अभी यहां से क्यों गई है। राणा, बहुत स्ट्रगल करने के बाद मैं सेटल होना चाहती हूं, करियर में नहीं, सुरेश खन्ना के साथ। एंड प्लीज प्लीज स्पेयर मी फ्रॉम माय मैनिपुलेशंस। ठीक है, लेकिन बैठ तो जाओ। तुम शेफाली राणे में इंटरेस्टेड हो, एम आई राइट? कॉफी पियोगी? कॉफी के बदले फिर से कुछ काम करने को तो नहीं कहोगे? नहीं कहूंगा। कामिनी, तुम जानती हो कि इस इंडस्ट्री के सारे मर्द तुम्हारे इशारे पर नाचते हैं। अगर तुम चाहो तो संजय को भी अपने इशारे पर नचा सकती हो।